वेलकम माय यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस रन बाय रोहित कुमार राजपूत। आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि फंडामेंटल ट्रांसलेशनल वेक्टर मूल स्थानांतरण सदिश, इसी का दूसरा नाम हम कह सकते हैं स्थानांतर सदिश, कभी कभी इसी को स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर के रूप में भी पूछा जाता है। हम जानेंगे कि मूल स्थानांतरण सदिश है क्या। हमने द्विविमीय जालक लिया, जिसे हम इससे पहले वाली वीडियो में जालक के बारे में पढ़ के आए हैं, तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डली है आप देख सकते हैं जालक क्या होता है। तो हमने द्विविमीय जालक बना दिया, कहने का मतलब जो जालक बना है उसके लिए दो अक्षों की आवश्यकता है, ठीक है। द्विविमीय जालक जालक है, तो हमने जो द्विविमीय जालक है इसमें दो अक्ष है, एक OA अक्ष है एक OB अक्ष है, जिसके अंदर दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है, जिन्हें हम एकांक वेक्टर या आद वेक्टर कहते हैं। तो इसमें जो स्थानांतरण सदिश होता क्या है, ठीक है, आगे तो ये पढ़ लेंगे। स्थानांतरण सदिश जो जालक द्विविमीय जालक है, इसमें किसी भी कोई भी जालक बिंदु को एक मूल बिंदु मानकर, क्या मूल बिंदु मानकर, ठीक है, किसी भी जालक को मूल बिंदु मानकर अन्य दूसरे जालक बिंदु की स्थिति जिस सदिश के द्वारा ज्ञात की जाती है उसे क्या कहते हैं, मूल स्थानांतरित सदिश कहते हैं, फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर कहते हैं। तो द्विविमीय जालक में हमने मान लो इस बिंदु को क्या मान लिया, मूल बिंदु मान लिया, ठीक है, ओरिजिन O। अब हमें मान लो इस बिंदु, इसको हमने P मान लिया, इस बिंदु P की हमें क्या ज्ञात करना है, पोजीशन स्थिति ज्ञात करना है। तो हमने किसी भी जालक बिंदु को मूल बिंदु मानकर किसी अन्य जालक बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए जिस सदिश का उपयोग करते हैं उसे फंडामेंटल ट्रांसलेशनल वेक्टर कहते हैं, स्थिति सदिश कहते हैं, स्थानांतरण सदिश कहते हैं। तो हमें इसे करने के द्विविमीय जालक है तो दो अक्षों की आवश्यकता होगी, कितनी, दो अक्षों की, ठीक है, दो अक्षों की आवश्यकता थी। तो हमने इस प्रकार से हमने दो अक्ष ले ली, एक हमारी OA अक्ष हुई एक OB अक्ष हुई, और इतना तो आप जानते हो OA अक्ष में चल रहा है तो दो बिंदुओं की जो बीच की दूरी होगी वो क्या होगी, A वेक्टर, कितनी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब इसके A वेक्टर इसकी वेक्टर तो पूरी कितनी हो जाएगी, 2A वेक्टर, कितनी पूरी हो जाएगी, जितनी की है दो जालक बिंदुओं के बीच की दूरी OA अक्ष में A वेक्टर मानी तो इसकी भी ये तो कितना हो जाएगी, 2A। हम OB अक्ष में बात करें तो हमने दो जालक बिंदुओं की बीच की दूरी B वेक्टर, तो पूरी कितनी हो जाएगी, कितनी, 2B वेक्टर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी पूरी, 2B वेक्टर। हमें ज्ञात करना है बिंदु P की पोजीशन, तो बिंदु P की पोजीशन क्या होती, किसी बिंदु को दर्शाना है पोजीशन को, आगे एक्स अक्ष का निर्देशांक लिखा जाता है, उसके बाद वाई अक्ष का निर्देशांक। तो जो फंडामेंटल सदिश होता है उसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल टी, ट्रांसलेशनल वेक्टर, तो कैपिटल टी, इसका कैपिटल टी कितना आएगा, 2A वेक्टर प्लस का 2B वेक्टर, ठीक है। एक बार फिर देखेंगे चित्र में द्विविमीय जालक स्थित है, प्रदर्शित है, इसमें किसी भी जालक बिंदु को मूल बिंदु मानकर किसी अन्य बिंदु की पोजीशन ज्ञात करने के लिए जिस सदिश का उपयोग करते हैं उसको सही क्या कहते हैं, फंडामेंटल स्थानांतरण सदिश कहते हैं, मूल स्थानांतरण सदिश कहते हैं। हमने ओ अक्ष थी, ओ अक्ष में दो जालक बिंदुओं की जो बीच की दूरी ए वेक्टर, तो पूरी कितनी हो जाएगी, 2A। इसी प्रकार ओ बी अक्ष में लिए, ठीक है। तो मूल स्थानांतरण सदिश में है क्या, जो हमने ए वेक्टर ना बी स्मॉल बी वेक्टर माने, इन्हें कहते हैं एकांक वेक्टर, क्या कहते हैं, एकांक वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इसी को क्या भी कह देते हैं, आद वेक्टर, आद वेक्टर कहने का प्रिमिटिव प्रिमिटिव वेक्टर। जो ट्रांसलेशन मूल स्थानांतरण सदिश का जो सैंबल होता है वो क्या होता है, टी वेक्टर, फॉर्मूला होता है टी वेक्टर बराबर में, क्या, टी वेक्टर बराबर में होता है एन वन ए वेक्टर प्लस एन टू बी वेक्टर, ये होता है फॉर्मूला,
जहां एन वन ना एन टू एक इंटीजर होते हैं, क्या होते हैं एन वन ना एन टू, एन वन तथा एन टू क्या है पूर्णांक है इंटीजर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है मूल स्थानांतरण का, टी वेक्टर बराबर एन वन ए वेक्टर प्लस एन टू ए वेक्टर। अब एन वन एन टू बता दिया इंटीजर है, इसी प्रकार से इधर एन वन का मान दो है एन टू का मान भी दो है, और मान लो त्रिविमीय जालक दिया हो तो कुछ नहीं, जो त्रिविमीय जालक होता है उसमें कितनी अक्षों की आवश्यकता होगी, तीन अक्षों की आवश्यकता होगी। तो तब अगर हम त्रिविमीय जालक की बात करें, किसकी बात करें त्रिविमीय जालक की, तो त्रिविमीय जालक में अगर हम जी हमने द्विविमीय जालक में स्थानांतरण सदस्य पढ़ा, क्या द्विविमीय जालक में आप किसमें पढ़ेंगे त्रिविमीय जालक में स्थानांतरण सदस्य क्या है, इसमें दो वेक्टरों की आवश्यकता थी ए वेक्टर बी वेक्टर, इन्हें एकांक वेक्टर या आद वेक्टर कहते हैं। जब त्रिविमीय जालक लेंगे तो तीन एकांक वेक्टर की आवश्यकता होगी, वो तीन एकांक वेक्टर क्या हैं ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, इन्हें भी क्या कहते हैं एकांक वेक्टर या क्या आद वेक्टर, ठीक है प्रिमिटिव वेक्टर कहते हैं। अगर इन एकांक वेक्टरों के समान परिणाम को यदि बार बार आप स्थानांतरण किया जाए तो एक त्रिविमीय जालक की संरचना प्राप्त होती है, कहने का मतलब इन्हें स्थानांतरण वेक्टर भी कहते हैं, और जो अगर यह प्रोसेस जो हम दोहराते हैं उसको स्थानांतरण प्रक्रिया कहते हैं कहने। और त्रिविमीय जालक में किसी भी जालक बिंदु को मूल बिंदु, इसी प्रकार से द्विविमीय जालक की तरह से हम करते हैं, किसी भी जालक बिंदु को हम मूल बिंदु मान सकते हैं, और मूल बिंदु मानकर किसी अन्य दूसरे जालक बिंदु की अगर हम उसकी पोजीशन ज्ञात करने के लिए जिस सदस्य का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर। तो उसका भी सैंपल कितना होता है टी वेक्टर, क्या होता है टी वेक्टर। तो टी वेक्टर वाला फॉर्मूला होता है एन वन ए वेक्टर प्लस एन टू ए बी वेक्टर प्लस एन थ्री सी वेक्टर, जहां जी एन वन ना एन टू इंटीजर था मतलब पूर्णांक था, इधर भी क्या है एन वन एन टू और एन थ्री क्या है पूर्णांक है। तो हम जनरली देख लेंगे द्विविमीय जालक में जो मूल स्थानांतरण सदस्य क्या होता है, हम किसी भी जालक बिंदु को मूल बिंदु मानकर अन्य दूसरे जालक बिंदु की पोजीशन स्थिति ज्ञात करने के लिए जिस सदस्य का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं मूल स्थानांतरण सदस्य। फॉर्मूला इसे इसका सैंपल टी वेक्टर होता है, तो एन वन ए वेक्टर प्लस एन टू बी वेक्टर, एन वन एन टू इंटीजर है, क्या है एन वन एन टू इंटीजर है। इसी प्रकार त्रिविमीय जालक में इधर दो वेक्टर माने थे, इधर तीन वेक्टर मान लो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, एकांक वेक्टर या आद वेक्टर कहते हैं। फॉर्मूला टी वेक्टर इधर दो थे एन वन ए वेक्टर एन टू बी वेक्टर, इधर सी है तो एन थ्री सी वेक्टर कर दो। इस प्रकार हमने मूल स्थानांतरण सदस्य को जाना। यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाले वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके, और कमेंट भी करें, ठीक है, धन्यवाद।